दैनिक जागरण का कुछ भी प्रोग्राम रहा हो समाज से रिलेटेड, चाहे मेरा मेरे मैंने भी स्वच्छता अभियान की रैली निकाली थी, वहां पर भी बच्चे पहुंचे थे। पता नहीं वो यहाँ से पास आउट होकर चले गए होंगे या अभी होंगे, लेकिन मुझे उसके बाद टाइम नहीं मिल सका कि मैं उन बच्चों को थैंक यू बोलती। उन्होंने आए थे मेरे प्रोग्राम में और बहुत ही सराहनीय भूमिका निभाई थी। तो बच्चों, अगर प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो प्रतिभाएं कहीं ना कहीं दबकर रह जाएंगी, और प्रोत्साहन मिलना बहुत जरूरी है, चाहे कोई संस्था हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे बच्चे हो। और बच्चों का स्वभाव तो बहुत कोमल होता है, और उनको अगर अच्छा मार्ग निर्देशन मिल जाए, दिशा सही दिशा निर्देश मिल जाए, तो वो निश्चित ही सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। तो हमारी टीम को बहुत दिन से प्रतीक्षा थी कि कब हम लोग ब्रिलियंट पहुंचे और आप लोगों के दर्शन करें। मुझे अपने कुछ पुराने साथी भी नजर आ रहे हैं, मैं यहाँ से उनको भी नमन बंदन अभिनंदन करना चाहती हूँ। और मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके पढ़ने का चाहे जो भी उद्देश्य हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, या लीडर बनना चाहते हो, व्यवसायी बनना चाहते हो, लेकिन कुछ भी बने, साइंटिस्ट बने, जो भी आपका उद्देश्य हो आप बने, लेकिन अपने अंदर एक राष्ट्रभक्त जरूर बनाए रखना। हमारे बीच में राष्ट्रद्रोही गतिविधियां होती हैं, तमाम आतंकवाद होता है, वो क्यों होता है कि हमारे अंदर का राष्ट्रभक्त कहीं मर जाता है। अपने देश के साथ कभी भी गद्दारी मत करना। आप इतने अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो यहाँ संस्कार मिल रहे हैं, कभी कोई समाज में ये ना कह पाए कि ये ब्रिलियंट का बच्चा है और इसने अपने देश के साथ गद्दारी की या समाज में कोई गलत काम किया। आज आप कुछ अच्छा काम करते हैं, हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो बहुत ही गौरवान्वित होते हैं हम सभी, हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा शहर। बहुत अच्छा लगता है कि इतने छोटे लेवल से ये विद्यालय शुरू हुआ था, आज बड़े बड़े स्कूल को न केवल टक्कर दे रहा है बल्कि उनसे और ऊपर पहुंच गया है। वो क्यों पहुंच गया है? वो यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनका अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, और उन टीचर्स को मोटिवेट कर रहे हैं प्रधानाचार्य जी, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम ही बहुत ही पॉजिटिव एनर्जेटिक है, इसलिए आप ये सब कुछ कर पा रहे हैं। आपको इतने अच्छे विद्यालय में शिक्षा मिल रही है, आपके पेरेंट्स का इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा खर्च हो रहा है, ये सब आपके कंधों पर भार है कि किस प्रकार से आप विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, शहर का नाम रोशन करेंगे और एक दिन अपने देश का नाम रोशन करेंगे। कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे भी जो साथी हैं उनको भी अपने जॉब पर जाना है, और आप लोगों को भी अपनी क्लासेस में जाना है, और उस सिस्टम इतनी बिजी शेड्यूल से समय आपने हम सबने एक दूसरे के लिए निकाला है, और इस समय को हम हमेशा याद रखेंगे। और समय पर कभी दोबारा हमें मौका मिला तो आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, और अगर हमारा कोई सामाजिक ऐसा प्रोग्राम हुआ जहाँ पर बच्चों की हमें आवश्यकता हुई, तो मुझे पूरी आशा है कि हमारे प्रधानाचार्य जी जरूर आप सबको हमारे साथ जोड़ेंगे। अभी लास्ट ईयर शायद इसी साल की बात है, सर्दी का मौसम था, आप सब लोग गरीब लोगों के लिए वस्त्र लेकर आए थे, वो हमारा ही संगठन के तरह प्रोग्राम हुआ था, आप लोगों ने बहुत अच्छी सहभागिता निभाई थी। तो मेरे पास कभी कभी ऐसा होता है कि प्रशंसा अधिक करनी होती है और शब्द कम होते हैं, तो वही सिचुएशन से मेरे साथ हो रही है कि आपकी प्रशंसा जिन शब्दों में की जाए वो शब्द मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ। और बहुत खुशी होती है मैं न्यूज़पेपर में जब आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे काम पढ़ती हूँ, तो मन ही मन बहुत प्रसन्न होती हूँ। और आप सबको तो मैं कुछ नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन अपने प्रधानाचार्य जी को एक छोटा सा मैसेज जरूर करती हूँ, और बहुत खुश होती हूँ मैं आप सबके सारे कामों से। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये विद्यालय ना सिर्फ समाज में आगे बढ़े और बढ़ रहा है, बल्कि एक दिन आप सबके अच्छे कारनामों से ये विद्यालय पूरे देश का नाम रोशन करे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार भारत माँ का नारा नचाना चाहिए, भारत माँ की जयकारे का, भारत।